सबसे बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय जिला से, जहां बरौनी रिफाइनरी में बेसल ब्लास्ट के कारण दर्जनों कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी खबर को जानने के लिए रुक करते हैं हम खबर की ओर। बिहार के बेगूसराय जिले से सामने आ रही है, बरौनी रिफाइनरी में एक बड़ा हादसा हुआ है। रिफाइनरी में वेसल ब्लास्ट हुआ है। इस धमाके की चपेट में दर्जन भर कर्मी आ गए हैं। इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आनन फानन में इन्हें इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बरौनी रिफाइनरी में हुए इस बड़े हादसे में लगभग 12 से 15 कर्मी जख्मी हुए हैं। हादसे को देखते हुए बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र में सभी तरह के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। धमाके के बाद रिफाइनरी में राहत और बचाव का काम शुरू है। रिफाइनरी ईडी शुक्ला मिस्त्री ने बताया कि घायलों को रिफाइनरी के अस्पताल समेत पास के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्लांट में एक महीने से शटडाउन था, 2 दिनों से उसे चालू करने का काम चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक यूनिट में तकनीकी खराबी के कारण अचानक ब्लास्ट हो गया। इस कारण वहां मौजूद कर्मी जख्मी हो गए। ज़्यादातर जख्मी कर्मचारियों को सुशील नगर स्थित NH 31 के पास ग्लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहाँ कुल 9 लोग भर्ती बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक है। बाकी के 8 लोगों की हालत फिलहाल स्थित बनी हुई है। बाकी के घायल कर्मियों का इलाज रिफाइनरी के निजी अस्पताल में चल रहा है। कहा जा रहा है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हमारी अभी अभी प्लांट में शटडाउन हुआ थे एक महीने से, और होने के बाद अभी हम लोग हमारी जो AB1 है उसको स्टार्टअप कर रहे थे। तो 2 दिन से स्टार्टअप चल रहे थे और वो ठीक ठीक भी जा रहे थे। और उसी प्लांट का मौजूद और एक हीटर है जिसमें हमारी थोड़ा डैमेज हो गया, और वो जो डैमेज हो गया उसके टाइम पे कुछ जो हमारी लेबर लोग और हमारी एम्प्लॉयज़ लोग जो इधर उधर थे उसको तो इंजरी हो गया। हमने तुरंत सबको लेके हमारी फर्स्ट एड के बाद हमारी अपनी हॉस्पिटल में और नियर बाई ग्लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसकी पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है और हम उसकी पूरा ख्याल रख रही हूँ। कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको पूरी टेक कर लेंगे। सर, एक और मामला सामने आ रहा है बरौनी रिफाइनरी में, एक घटना की बात सामने आ रही है, कुछ लोग घायल होने की भी बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? फर्नेस सिस्टम शुरू कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, उसे छोटा सा ब्लास्ट हुआ है। तो अभी हमने रिफाइनरी के ED से भी बात की है, किसी के कोई मृत्यु की सूचना नहीं है और मृत्यु किसी की नहीं हुई है, लेकिन कुछ एक व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट आई है। और बस एक व्यक्ति के पत्थर जो है सर में लगा है, तो उनका अभी देखा जा रहा है, वॉच में रखा जा रहा है। तो अभी हमारे थाना प्रभारी और DSP पहुंच चुके हैं स्थल पर, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और हमारे SDO और अंचलाधिकारी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहे थे, कोई बता दिए कि 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, बिल्कुल गलत है। अभी तक जितनी सूचना प्राप्त हुई है उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई, छोटी छोटी चोटें आई हैं। और बाकी अभी और हमारी टीम वहाँ पहुँच रही है और जो तथ्य सामने आएंगे बताया जाएगा। जहाँ तक अभी जानकारी है बहुत ज़्यादा कोई गंभीर स्थिति नहीं है, तो परिजनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही ED को ये भी निर्देश दिया गया है, क्योंकि लोगों में अभी कोई न कोई उसको अफवाह फैला रहे हैं, तो क्लियर कट उनको बताया गया है कि जल्द ही वो कितने व्यक्तियों को हल्की चोटें आई हैं, कितने को थोड़ा सीरियस चोट है, उन व्यक्तियों का डिटेल परिजनों को बता दें। और 3 व्यक्ति जैसे हमको सूचना मिली, 3 व्यक्ति को ग्लोकल में भेजा गया है, इनको थोड़ी ज़्यादा चोट थी। और बाकी 13 आदमी के आसपास उनके रिफाइनरी के अपने अस्पताल में जो माइनर बहुत चोटें थी उनका इलाज किया जा रहा है। तो उसका सूचना दे दें किस व्यक्ति को कहाँ पर किस हॉस्पिटल में है, ताकि परिजन परेशान ना हो और आम पब्लिक भी अनावश्यक रूप से किसी अफवाहबाजी में ना पड़े और गलत सूचना वो लोग विश्वास ना करें। तो ED के द्वारा ये भी किया जाएगा और क्लियर कर।